मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के सभी लोगों को जरूरतमंदों की सेवा और उनके स्वावलंबन के प्रकल्पों से जुड़ना चाहिए। ऐसा करके हम समाज के लिए अपरिहार्य सामूहिकता की भावना को और मजबूत कर सकेंगे। सीएम योगी ने यह बातें शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर से गैलेंट समूह के निःशुल्क फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गैलेंट समूह की निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना एक अभिनव प्रयास है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की सुविधा देना पुण्य का कार्य है। समाज के और लोगों को भी अपनी क्षमता के अनुरूप धर्मार्थ के कार्यों के साथ जुड़कर हर दिन दुखियों को न केवल भोजन देने बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को प्राप्त होना चाहिए। इस अवसर पर गैलेंट समूह के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। झंडी दें जल्दी। ईश्वर ने हम लोगों को निमित्त बनाया है, ये हम लोग सेवा कार्य कर पा रहे हैं और हम उनके भी आभारी हैं जो ये सेवा हमारी स्वीकार करते हैं। पूज्य महाराज जी से हम अपेक्षा करते हैं। आप करेंगे जरूर। काली बाड़ी के बाबा जी बहुत स्लोली बदल बदल के सब पी रहे हैं ना। वो शब्द हम महाराज जी से आशीर्वाद से जाएंगे इस अवसर पर और हमारी आशा है कि महाराज जी जो है पूज्य महाराज जी के हाथों से ये शुरू हुआ है तो हमें पूरा विश्वास है कि अनवरत चलता रहेगा। इनका आशीर्वाद हमको चाहिए, बाबा गोरखनाथ जी की कृपा ही है और मुख्यमंत्री के रूप में इनसे हम अपेक्षा करेंगे कि हमें सामर्थ्य भी प्रदान करें कि गोरखपुर में और भी ऐसे जन उपयोगी कार्य हम कर सकें। धन्यवाद पूज्य महाराज। निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना के आज के इस कार्यक्रम में कालीबाड़ी के मोहन जी, काशी से पधारे सतवा बाबा, कालेन के सीएमडी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, कालेन परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, गोरखपुर के जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, गोरखपुर में गायलैंड के द्वारा निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना एक अभिनव प्रयास है। हर व्यक्ति को उसके जरूरत के हिसाब से इस प्रकार की सुविधा देना एक पुण्य का कार्य है और स्वाभाविक रूप से जितनी जिसकी क्षमता हो उसको अपनी क्षमता के अनुरूप धर्मार्थ के कार्यों के साथ जुड़ करके हर दीन दुखी को बिना भेदभाव के न केवल भोजन देने बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की ओर अग्रसर